Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear, in this video we are going to discuss the characteristics of kingdom animalia. आज की इस वीडियो में हम kingdom animalia की properties को discuss करेंगे. Dear, it includes eukaryotic multicellular heterotrophs. The cells which have prominent nucleus in them are called as eukaryotic cells. And a multicellular organism is an organism that consists of more than one cells. The organisms that cannot synthesize their food and depend on autotrophs or other organisms are called as heterotrophs or heterotrophic organisms. इस किंगडम में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफ्स शामिल हैं. ऐसे सेल्स जिनमें वासे न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं, और ऐसे जानदार जो एक से ज़ायद सेल पर मुश्तमिल हों मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, और ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और ऑटोट्रॉफ्स या दूसरे जानदारों पर इन्हिसार करते हैं हेटरोट्रॉफिक जानदार या हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं. किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफ्स शामिल हैं. देयर एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज. दे लेक सेल वॉल एंड शोस मूवमेंट. जानवर खुराक को खाने की शक्ल में जिस्म में ले जाते हैं और फिर इसे मखसूस हिस्सों में डाइजेस्ट करते हैं. इनमें सेल वॉल नहीं होती और ये जानदार एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं. आपने किंगडम प्लांटी में पढ़ा था कि उनके सेल में सेल वॉल होती है. फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है. और फंजाई और किंगडम प्लांटी के मेंबर्स मूव नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जबकि किंगडम एनिमेलिया के जानदार के जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती और ये जानदार एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, जैसे हम इंसान एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं. और इस तरह बहुत सारे जानवर जो आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं इनमें बर्ड्स भी शामिल हैं. देयर किंगडम एनिमेलिया में स्नेल वगैरह और डिफरेंट एनिमल्स शामिल हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं इंसान, रैबिट, शार्क, पिजन्स, फिशेस, रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइल वगैरह इसमें शामिल हैं. देर आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.